हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व किया था, समाप्त कर दिया था। तो हम लोग अभी इस क्लास में एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करेंगे। ओके भैया, ओके बच्चों, तो चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों देखिए, ये एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग देखिए, थ्री मेथड तो पढ़ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके बच्चों, तो हम लोग किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 1/2x है, 1/3y है। हम इसको एलसीएम लेके अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको मान लेंगे, ठीक है ना, कि 1/x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, p मान लीजिए, a b p कुछ भी मान सकते हैं। 1/x इक्वल टू p मान लिए और 1/y इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे लेट q मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, q। ओके बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो, 1/x के जगह पे क्या लिखेंगे, p, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना, जैसे कि हम लिख दें 1/x के जगह पे लिख, हो जाएगा क्या p, तब p नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। ओके बच्चों, अब प्लस का साइन है, प्लस ये क्या हो जाएगा, q, और नीचे क्या है, 3, क्योंकि हम सिर्फ क्या माने हैं, 1/y q माने हैं, 1/x p माने हैं, 3 तो नहीं माने हैं ना, कुछ 3 तो रहेगा ही, तो q/3 ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, इक्वल टू 2। अब इसको क्या कर देंगे बच्चों, सॉल्व। आप लोग एलसीएम निकालते हैं ना पहले, तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। तो 6 2 के टर्म में 6 कितने बार आता है, 3 पे, तो 3p हो जाएगा, प्लस 3 2 6 तो 2q इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, अब इसको भी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, p/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, q/2 इक्वल टू 13/6। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिए, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 6 तो 2p प्लस 2 3 6 तो 3q, 3 × q 3q इजकल टू 13/6। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसके नीचे भी 6 है और इसके नीचे भी 6 है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों का हो जाता है नीचे नीचे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ओके बच्चों, तो आप लोग कुछ कुछ सीखिएगा अभी इससे, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2p प्लस 3q इजकल टू 13, ये क्या मान लेंगे, सेकंड। अब यहाँ पे आप किसी भी मेथड से, अब कोई भी मेथड यहाँ पे लगा के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए किस मेथड से करें हम लोग, बोलिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो आप कहोगे उस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक मेथड, कोई भी एक मेथड से हम लोग करते हैं। चलिए हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे वो कर सकते हो, थ्री मेथड से। अब इसमें क्या किया जाए, किसको कैंसिल किया जाए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में क्यू वाले को अगर कैंसिल करें, हम लोग क्यू वाले को कैंसिल करें, तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड एंड 2 टू इन इक्वेशन सेकेंड एंड
सब्ट्रैक्ट देम, किसी में से भी माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट देम। ओके तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को, किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से। तो आप जानते हैं कि तीनों टर्म में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा 9p प्लस 32 जा 6q इजकल टू 36, यानी 12 थ्री जा कितना होता है 36। अब टू में मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन टू में, तो टू टू जा 4p प्लस 23 जा 6q इजकल टू 13 जा 26। अब हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो चलिए ये प्लस होता क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस होता क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस होता क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए प्लस 6q और माइनस 6q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4p गया तो कितना हो जाएगा, 9p में से 4p गया तो कितना हो गया बच्चों, 5p इजकल टू 36 में से 26 गया तो कितना हो जाएगा 10। तो इसलिए p इजकल टू क्या हो जाएगा 10/5, 5 2 जा 10, यानी क्या निकल गया 2। अच्छा बच्चों अब यहीं पे, अच्छा चलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, अब चलते हैं p का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, किसी में भी रख देते हैं, वन में ही रख देते हैं, इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ अ पी, सर पी इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, 3p प्लस 2q इजकल टू 12। पी कितना निकल के आया मुझे, 2 आया, तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 प्लस 2q, 2q इजकल टू 12। ये थ्री सॉरी ये क्या हो गया, 2 है ना, मैं मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, अब 6 इधर आया क्या हो जाएगा माइनस, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q इजकल टू 12, अब 3 2 जा 6 माइनस 6, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस। ओके बच्चों चलिए अब क्या हो जाएगा, 2q इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 गया तो 6, तो इसलिए q इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6/2, यानी कितना 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी q कितना निकल गया 3। ओके बच्चों तो अब देखो यहाँ पे पी इजकल टू में हम लोगों ने क्या माना है, पी इजकल टू क्या माना है 1/x, तो पी की जगह पे हम क्या रख देंगे 1/x। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2x 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स 2x इजकल टू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो इसलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2। ओके बच्चों तो यहाँ पे भी सेम हम करेंगे, यहाँ पे भी q की जगह पे क्या लिए हैं बोलो भाई 1/y इजकल टू 3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3y इजकल टू 1 इंटू 1, तो इसलिए y इजकल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो बस यही तो आंसर लाना था आपको, एक 1/2 और एक बार 1/3, ये आप लोग का आंसर कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, तो देखिए बच्चों ये पार्ट टू है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे, लेट 1/√x इजकल टू पी एंड 1/√y इजकल टू क्यू। ओके मान लिया हम लोगों ने, तो चलिए 1/√x के जगह पे क्या रख देंगे पी, तो क्या हो जाएगा 2p, क्या हो जाएगा बच्चों 2p, क्योंकि 2 अब क्या है ऊपर है, 1/√x को क्या माना है p, प्लस ये क्या हो जाएगा 2q होगा क्या नहीं बच्चों इजिकल टू 2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 को क्या है कॉमन करके, यहाँ पे 2 तीनों जगह है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे, तो 2 को कॉमन करके डिवाइड लगा जाते हैं ना, तो 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा p प्लस q इजिकल टू 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा p प्लस q इजकल टू 2/, या कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2/2, यानी क्या हो गया 1 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस q इजकल टू क्या मिल गया 1। इक्वेशन क्या होगा ये फर्स्ट, अब सेकेंड इक्वेशन ही बना लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4p
माइनस नाइन क्यू इजकल टू माइनस वन। यहाँ पे कोई कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, हम क्या करेंगे, इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। ओके बच्चों, अब देखो ये थोड़ा सा इजी है। अब इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से ही बनाएंगे, बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से बना सकते हो या आप सब्स्टिट्यूशन से। चलो इसको सब्स्टिट्यूशन से बना लेते हैं इस बार। चलो आप लोग भी कहोगे सर सिर्फ इसी से बनाते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p प्लस क्यू इजकल टू क्या है बच्चों, वन। तो p इजकल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस क्यू, क्योंकि वन इधर है, इधर प्लस है, इधर है, क्या हो जाएगा माइनस। सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा है। ओके बच्चों दिख गया, दिख गया। चलिए फ्रॉम इक्वेशन हमने फर्स्ट लिया, ये p प्लस क्यू इजकल टू वन किया है, उसके बाद से p इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इधर प्लस क्यू इधर आया क्या हो जाएगा माइनस क्यू, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो थर्ड को पहले हम लोग लिख लेंगे कि सेकंड को, सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे कि 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस वन। अब p के जगह पे क्या रख देंगे, वन माइनस क्यू, तो 4 × 1 − q माइनस 9q इक्वल टू माइनस वन। ओके बच्चों, तो चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको खोल देंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, खोलेंगे तो 4 × 1 का हो जाएगा 4, अब प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 4 × q का हो जाएगा 4q माइनस 9q पहले से है इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को इधर क्यों नहीं ला मैं ला दूं, तो क्या हो जाएगा ये −4q और −9q, ये दोनों का साइन क्या है बच्चों, माइनस का है, क्या है बच्चों माइनस का, तो दोनों का कर देंगे प्लस और साइन का रहेगा माइनस का। ओके तो चलिए ये क्या हो जाएगा, −13q इजिकल टू माइनस वन, इधर क्या हो जाएगा −4, तो क्या हो जाएगा बच्चों −13q इजिकल टू −5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5/13। ओके अब चलिए इसको पुट कर देंगे, तो बच्चों इसको हमको पुट करेंगे कहाँ पे, चलो रख देते हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, एक का वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। चलिए तो पुटिंग पुटिंग दी वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, पी इजकल टू क्या है, वन माइनस क्यू, वन माइनस क्यू कितना निकाल कर लाया है 5/13, तो इसको एलसीएम लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 13, वन के टेबल में 13 13 बार में जाएगा, 13 − 5 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 13 में से 5 गया तो कितना हो गया 7, नहीं सॉरी 8, क्या हो गया बच्चों 8, और ये हो जाएगा 13। ओके तो आपको पी भी निकल गया और हमारा क्यू भी निकल गया, तो सबसे पहले क्यू से शुरुआत करते हैं ना, चलिए क्यू वाला से शुरुआत कर लेते हैं। अब क्यू इजकल टू हम लोग क्या माने हैं बच्चों, क्या माने हैं बोलिए, तो क्यू की जगह पे हम लोग रख देंगे 1/√y, तो क्योंकि 1/y क्यू को क्या माने थे, 1/√y इजकल टू 5/13। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 5√y, रूट वाई इजकल टू कितना 13 × 1 = 13। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है ना, या अभी लिख देते हैं कि वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 13/5, तो अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए बच्चों देखिए बहुत इजी है, अब ये क्या हो जाएगा, √y का स्क्वायर इजकल टू 13/5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये y इजकल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169,
अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो एक तो आंसर ये होगा। ओके अब चलिए नेक्स्ट वाला को पी का वैल्यू निकालते हैं। ओके बच्चों तो चलिए तो देखिए यहाँ पे पी इक्वल टू क्या मैंने माना है 1/√x, तो सेम उसी तरह बनेगा 1/√x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/30। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 8√x इक्वल टू 13 1 जा 13, यहाँ रूट एक्स क्या हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 13/8, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, चलिए स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स क्या हो जाएगा बच्चों रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 13/8 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों तो ये रूट एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, स्क्वायर से रूट का हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और 8 का स्क्वायर 64, ये आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत मजा भी आ रहा होगा इसको करने में। आ रहा है कि नहीं भाई? आ ही रहा होगा, कैसे नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है ये 3.6, बस खेलते रहना है क्वेश्चन से, बस आप लोग इतना ही करना है। ओके बच्चों तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।